बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसके बारे में सबसे पहले बात होगी कि ये बना कैसे, यू नो हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग। नंबर दो कि ये है क्या, व्हाट इज़ इट एंड व्हाट इज़ इट एक्सपेक्टेड टू अचीव। और तीसरा ये कि इसी से नथी सवाल कि फौज जब इन मामलात में आती है तो क्या मतलब कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और ख़ास तौर पर इस तरह के इनिशिएटिव में शुड इट बी इन्वॉल्व, उस पर बात करेंगे। आज अगर हमें दिन भर, आज नहीं यानी कल जो गुजरी हुई कल है उस दिन, अगर हमें सबसे ज़्यादा इस पर सख्त तनकीद हुई, सख्त बातें की गई, वो इसी मामले पर हुई कि भाई क्यों, वाई शुड द आर्मी बी इन्वॉल्व, और ये क्या आप तो बिल्कुल जैसे कि उनको सपोर्ट करें आप लिफाफे हैं तो इस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं इससे कि ये हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग। तो ये याद रहे कि ख़ास तौर पे, और ये बात कही भी गई उसकी नोटिफिकेशन में जो 16 को इशू हुआ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से, कि ये गल्फ़ जो ममालिक हैं, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, उसमें 5-6 जो ममालिक आते हैं गल्फ़ के, उनके हवाले से कहा कि ये ज़्यादा अहम है। तो क्यों अहम है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर ये बात होती रही कि सऊदी अरेबिया भी आएगा और यूएई भी और कतर भी। अच्छा, सऊदी अरेबिया के हवाले से याद रहे कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो क्राउन प्रिंस आए मोहम्मद बिन सलमान यहाँ, और एक काउंसिल बनी, सुप्रीम काउंसिल, पाकिस्तान सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल, जिसमें उस वक्त भी कहा गया कि जी 10 बिलियन डॉलर्स की एक रिफाइनरी होगी और ये इन्वेस्टमेंट होगी, ये एरियाज हैं इनमें इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन वो बात आगे बढ़ी नहीं और वो बात उधर ही रुक गई। जब 7-8 महीने पहले जब फिर से उनको रीइंगेज किया सऊदीज़ को, तो सऊदीज़ की तरफ से ये बिल्कुल एक शिकायत आई, एक बात हुई, उन्होंने कहा जी आप बहुत जोश और जज्बे से बात शुरू करते हैं लेकिन जब बात आए ठोस स्टेप्स पर तो आप लोग लेते नहीं हैं, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट यहाँ से नहीं होती। अच्छा, दूसरा फिर आपको पता है कि कतर के हवाले से जो इस वक्त एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स करने का, 3 एयरपोर्ट्स, ये भी बात शुरू हुई थी पिछली हुकूमत के ज़माने में, ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में थे हारून शरीफ साहब, तो वहाँ उस वक्त हमें पता चला कि ये कतर इज़ इंटरेस्टेड इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के एयरपोर्ट पे बात हुई, और फिर ये कहा गया पाकिस्तान के अंदर ये कहा गया कि नहीं जी ये सही नहीं है, दिस इज़ अगेंस्ट आर सिक्योरिटी वगैरह, तो उसको वो इशू वहीं रुक गया। तो कतरीज ने उस वक्त कहा जी वे वेरी इंटरेस्टेड, इनफैक्ट वो होटल्स भी लेना चाहते थे, उसने कहा हम होटल्स चलाएँगे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। और अब भी कतरी से जब बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी आप तो क्लियर तो हों पहले, व्हाट यू वांट टू डू। और कतरी जो मामला है वो काफ़ी आगे तक बढ़ गया हुआ है, कतरी मामला नहीं एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का, इस वक्त आईएफसी जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जो कॉरपोरेशन है विच इज़ लिंक्ड टू द वर्ल्ड बैंक, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर दिया आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स के लिए, जो बिड्स के डॉक्यूमेंट्स बनाने, जो पूरा एक बहुत एलैबोरेट काम होता है, तो पाकिस्तान ब्रॉट द बेस्ट माइंड्स और उन्होंने हायर किया, आईएफसी उसमें इन्वॉल्व है और वो पूरा बिड स्ट्रक्चर जो है दैट्स बीन पुट इनटू प्लेस, और ये बिड्स जो हैं पाकिस्तान के बिड्स के डॉक्यूमेंट शायद जुलाई में दिल गोइंग टू द ओपन मार्केट, फिर 6 हफ्ते लगते हैं या 8 हफ्ते जब मौका दिया जाता है और ममालिकों के भैया या पार्टीज इंटरेस्टेड पार्टीज को कि आप बिड कीजिए, तो करते करते ये हम बात कर रहे थे जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है उन्हें का अर्लीस्ट पाकिस्तान विल गिव आउट विल आउटसोर्स इज़ गोइंग टू बी इन जनवरी, लेकिन कतरीज उसमें बहुत इन्वॉल्व थे। इसी तरीके से यूएई, आपको मालूम है कि इस वक्त यूएई पाकिस्तान के साथ उसकी डिस्कशन हो रही, बात आगे काफ़ी बढ़ गई है। सिंगापुरियन जो फर्म है जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट को इस वक्त मैनेज करती है, उसकी बजाय अब वही जो कंसेशन दिया था उसी को एक्सटेंड करके एंड कोई जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है पूरी करके, तो फिर ये कहा जा रहा है यूएई विल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ केपीटी कराची पोर्ट ट्रस्ट, वो जो टर्मिनल्स वगैरह का ख़ास तौर पे मामला थे। अच्छा, तो ये इस वक्त चीज़ें हो रही हैं। फिर ये भी आपने सुना होगा, इन एनी केस यूएई के इत्तेसालात वगैरह ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं यहाँ, और
कराची इलेक्ट्रिक में भी के मामलात कुछ हैं यूएई के साथ, वो उन्होंने कहा कि जी आप वो सेटल करें मामलात फिर हम आपके साथ आएंगे, और एरियाज़ में वो कुछ शेयर्स भी ख़रीदना चाह रहे हैं, उसी हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये मामलात बहुत से उठे और उस पर ये हम सुनते रहे पिछले बहुत से महीनों से कि वो कह रहे थे कि जी ये हमें वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस, आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, और यू नो आर यू सीरियस, कंटिन्यूटी होगी या नहीं। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए और पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नाज़रीन इस वक्त यानी दोस्तों 23% कम हो गई पिछले साल के मुकाबले में, और ख़त्ते में पाकिस्तान की सबसे कम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड एज वी नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जॉब्स के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए ये डिसाइड किया जो लीडरशिप है, इलेक्टेड लीडरशिप जो इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया, और फौज की भी उसमें इनपुट थी, फौज की इनपुट थी। और याद रहे कि ये हमारी बात हुई जब भी एक दो मरतबा आईएसआई से, तो उन्होंने बताया कि उनके वहाँ एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है जैसे कि दुनिया जहान की एजेंसीज में होता है, और उस वक्त उनका ये कहना था कि जी पैसा मिलेगा तो इधर से मिलेगा। इट वॉज सेट अप अबाउट 2 years ago कि ये आपको फंड्स अब वो वाले नहीं मिलने लगे, मुफ्त फंड्स आ जाएं जी पैसे दे दें, ऐसे नहीं होगा। अब देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर कैपिटल। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए और पाकिस्तान के अंदर खाने ये पता कि भाई कभी झगड़ा हो रहा है, कभी पॉलिसीज जो हैं उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, कभी ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है, नैब का डर है, और चीज़ें रुक जाती हैं। और ये सब अपनी जगह सीपैक भी बड़ी अहम है, सीपैक के हवाले से भी यही मामला थे कि जी अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, कोई रोके जा रहा है कोई नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए सो ये सियाक को सबाक है जिसमें कि ये किया गया। अच्छा यहाँ तक फौज की इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक है, इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल है, और उसमें जैसे कहा जो प्लानिंग मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी ये जॉइंटली हमने किया, और जॉइंटली अब किया पाकिस्तान में, जॉइंटली क्या गया नहीं किया। आपने NCOC जो किया, नेशनल कोऑर्डिनेशन वो कमेटी जो बनी उसके ज़माने में, कोविड के ज़माने में वेरी क्रिटिकल रोल ऑफ द आर्मी, उन्होंने एक्चुअली द सेट इट अप लेट्स बी क्लियर, और असद उमर साहब को फिर उन्होंने बिठाया एज अ यू नो एज अ चेयरपर्सन, और साथ उनके फौजी जनरल होते थे वो भी बैठते थे। तो ये NCOC का जो तमाम चलाना था वो उन्होंने किया। उसके बाद फिर फैटिफ का भी आपको मालूम है कि फौज वॉज इन्वॉल्व इन इट एंड इन अदर थिंग्स एज वेल, उस पर आएंगे अदर थिंग्स क्या हैं। तो इस तरीके से फौज इन्वॉल्व थी। तो अब जो बना फिर उसमें से निकला क्या, वो स्ट्रक्चर के बारे में आप सुन चुके होंगे, बट जस्ट लेट मी रिपीट दिस। अच्छा दूसरा आपको ये बताएं कि ये जैसे ग्रीन ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी, अच्छा ये 2019 के करीब शुरू हुई थी पॉलिसी बननी, और अब इसका एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बन गया है। सऊदीज आर कीन टू इन्वेस्ट इन एन ऑयल रिफाइनरी, ये जब से जब आए थे मोहम्मद बिन सलमान या क्राउन प्रिंस उस वक्त से बात हो रही है, तो वो लग रहा है कि बात आगे बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए बात अब यहाँ तक पहुँची। अच्छा बना क्या, बना क्या फाइनली, वॉट स्ट्रक्चर इज इन प्लेस, जो इन प्लेस है ऑलरेडी स्ट्रक्चर, उसमें आपके पास है 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, इसके जो स्पेशल इनिशिएटिव्स जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसमें जी सबसे पहले है एपेक्स कमेटी, राइट, एपेक्स कमेटी विच इज़ लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विच 16 मेंबर्स, और एक आर्मी के एक होंगे, ये नहीं रैंक नहीं पता, जनरल होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल होंगे या ब्रिगेडियर व्हाटएवर, लेफ्टिनेंट जनरल प्रॉब्ली होंगे। 16 मेंबर्स में एक वो मेंबर होंगे और बाकी मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एट्सेट्रा। फिर उसमें प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करेंगे और आर्मी चीफ ऑन इन्विटेशन कैन बी इन्वाइटेड। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव का, आर्मी चीफ इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर, ही विल बी इन्वाइटेड ऑन इन्विटेशन।
आर्मी के कोई आई एम एज्यूमिंग लेफ्टिनेंट जनरल होंगे परमानेंट मेंबर। अच्छा, फिर एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होगी, प्लानिंग के मिनिस्टर इस वक्त एहसन इकबाल साहब हैं, वो लीड करेंगे, और उसमें जो मेंबर्स होंगे उसके भी मेंबर्स हैं, कोई कितने मेंबर्स हैं देखिए, लेट्स सी, उनके भी जो मेंबर्स हैं वो उसको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स 1, 2, 3 और कोई अबाउट 12-14 हैं मेंबर्स, वो उसको जी कोई 14-15 मेंबर्स हैं, उसमें फिर एक या दो फौज के होंगे जी, दे विल बी नेशनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान आर्मी से होंगे, और एक और मेंबर होंगे उनके डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटेरिएट के डायरेक्टर जनरल जो होंगे वो भी फौज में से होंगे, और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो भी फौज में से होंगे, और यानी कि फंक्शनिंग ऑफ द सेक्रेटेरिएट विल बी रन बाय देम। फिर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होंगे, पीएम के ऐसे पीएम होंगे जो कि एसआईएफसी इस काउंसिल के लिए खास डेडिकेटेड होंगे, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज होंगे, फेडरल मिनिस्टर्स डिफेंस, आईकॉम, आईटी, स्टेट, एग्रीकल्चर, मिनरल्स वगैरह, ये होंगे मिनिस्टर्स। और जो तीसरी कमेटी होगी वो होगी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ठीक है। उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई 40 मेंबर्स होंगे इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में, और उसमें से कोई 13-14 फौज में से होंगे। अच्छा, जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, ये कहा गया कि जी ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह को इनकरेज करेगी, इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाएगी, कोऑर्डिनेशन करेगी, इसमें कोई 5-6 सेक्टर्स पर, 5 सेक्टर्स पे फोकस करेगी, एग्रीकल्चर, आईटी एंड कम्युनिकेशन, डिफेंस, माइनिंग और एनर्जी, तो 5 सेक्टर्स हैं जिस पे फोकस करेगी। अच्छा, और ये सऊदीज़ के पास कोई अराउंड $400 बिलियन हैं सॉवरेन फंड्स टू इन्वेस्ट, और यूएई के पास कोई $700 बिलियन हैं सॉवरेन फंड्स टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो पाकिस्तान को इनके इंटरेस्ट का भी मालूम है पाकिस्तान में, और ये उनके पास जो अवेलेबल है कैपिटल वो भी जहन में रखते हुए, तो ये इन पाकिस्तान का ख्याल है कि वो अपना जो इनिशिएटिव है वो, और जो अपनी ऑप्शन है पाकिस्तान की, उसको इतना अट्रैक्टिव बनाए ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके थ्रू, और ताकि ये बातें, ताकि पाकिस्तान इज सीन एज ए कंट्री विच इज़ वर्दी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जैसे हमने कहा कि इंडिकेशंस भी मिल चुकी हैं पाकिस्तान को इस तरह की कि देर इंटरेस्टेड, ऑलरेडी द काउंसिल इज़ फंक्शनिंग, और इस काउंसिल का में जो है एपेक्स बॉडी, वो महीने में 3 महीने में एक मरतबा मिलेगी, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो एग्जेक्टिव कमेटी है वो वंस अ मंथ मिलेगी, और जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है SIFC की, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, दैट विल मीट एवरी fortnight, यानी के महीने में 2 मरतबा मिलेगी, तो ऑलरेडी मीटिंग्स इनकी शुरू हो गई हैं। अच्छा, इनका ये जो सेक्टर्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व होंगी, और मकसद इनका ये है कि जी हम जो है स्टडीज़ भी बनाएंगे। अच्छा, ये जो आपको बताते चले, इम्प्लीमेंटेशन जो कमेटी है उसमें दे विल बी इन अ पोजिशन टू कोऑप्ट मेंबर्स, अगर चाहें कि कोऑप्ट करें। अच्छा, इनका TORs है कि सिंगल विंडो ऑपरेशन जो है वो प्रेजेंट करें, जिसके जिससे के फैसिलिटेट हो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको मालूम है जो पाकिस्तान में आता है वो कहता है कि फिर आधी ज़िंदगी तो गुजार दो जी क्लियरेंस में। उन्होंने कहा जी हम वन विंडो ऑपरेशन करेंगे, GCC ममालिक को फैसिलिटेट करेंगे ख़ास तौर पे, और भी ममालिक जो आना चाहें, फिर रोड मैप बनाएंगे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का, इन्वेस्टमेंट का, जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं ख़ास तौर पे ये जो 5 सेक्टर्स का हमने बताया, इनहांस अवेयरनेस पाकिस्तान की पोटेंशियल के, भाई वाई पाकिस्तान, पाकिस्तान में आप क्यों आएँ, किसी और मुल्क में क्यों जाएं न जाएं, और अगर और मुल्क से इन्वेस्टमेंट लानी है तो पाकिस्तान क्यों ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये भी कि एक्सपेंड करें, अपॉर्चुनिटीज़ करें एक्सपेंड, फिर इम्प्रूव ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको ख़त्म करें, जो प्रोविंस और सेंटर की
इंटीग्रेशन है और कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको बेहतर किया जाए और टाइमली डिसीजंस हों, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो, ये तमाम चीज़ें, वो फास्ट ट्रैकिंग हो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स के लिए और पर्पसेस सेट आउट, तो यानी और पाकिस्तान जो आर्मी है उसकी वो असिस्ट करेगी इस तरह जो कोऑर्डिनेशन के लिए, और पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी इट इज़ बीइंग डन इन अदर कंट्रीज, कोऑर्डिनेट पाकिस्तान आर्मीज असिस्टेंस फॉर द पर्पसेस सेट आउट एट वन, यानी कि ये जो तमाम हमने आपको भी बताया है, सिंगल विंडो ऑपरेशन, ब्यूरोक्रेटिक हर्ल्स वगैरह, फास्ट ट्रैकिंग, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वॉल्व होगी, और जैसे कि चाइना और इंडोनेशिया वगैरह में भी आर्मीज इन्वॉल्व होती है, और पाकिस्तान चाइना के साथ भी कह रहे हैं कि भी जी इन्वॉल्व रहता है इस तरह की फैसिलिटेशन में। तो ये हैं मामलात, जाहिर है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इस हवाले से अब इसमें क्या कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव यकीनी तौर पे है, डिले और करप्शन जब ओवरसाइट होगी, फौज भी होगी, तमाम इदारे होंगे, तो डिले और करप्शन जो है वो कम होगी, सबको पता है कि जी रियल, ये भी आपको बताएं कि ख़ासतौर पे जीसीसी के ममालिक की तरफ से कहा गया, एवरीबॉडी नोज़ वेयर द रियल पावर लाइज, ये इनको क्या मालूम है, जो अमेरिकन आते हैं, वेस्टर्न ममालिक के लोग आते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी वो जाना है, अगर सीरियस बात करनी है तो ये आप चलें तो पिंडी का रुख करें इधर, तो क्या इनके पास क्या डिसीजन मेकिंग, दे से दिस इन डिफेंस मोस्टली। बात यह है कि इस पे भी आते हैं कि अभी तो हम आपको बयान करें जो हकायक हैं, अभी यू नो व्हाई इज़ इट एंड शुड इट बी, विल कम टू दैट आल्सो। इसी तरह से ये होता है कि जी पॉलिसी की कंटिन्यूटी का नहीं पता चलता, और ये मामलात आज कोई हुकूमत है, कल कोई है, परसों किसी ने स्ट्राइक कर दी, फिर किसी ने धरना कर दिया, फिर लड़ाई झगड़े हुए, पता ही नहीं जी पॉलिसी किधर जा रही है। तो ये कि भी कंटिन्यूटी होगी, ये एक स्ट्रक्चर होगा, पता चलेगा कि जी यही हैं और यही आर्मी जो है वो कंटिन्यूटी इसको देगी, दिस इज़ द थिंकिंग। अच्छा डिसीजंस भी टाइमली हो जाएंगी, फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और फास्ट ट्रैकिंग होगी, सिंगल विंडो, सो दीज आर बेसिकली जो पॉजिटिव्स हैं इसमें से। अच्छा अब इसको अगर आप इसी तरीके से लें ऑन फेस वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव्स हैं, लेकिन इसमें मिसिंग क्या है, देखिए ये दिस इज़ सीरियस बिजनेस, सीरियस इन्वेस्टमेंट, हैज़ टू डू विद यू नो इकोनॉमिक्स, हैज़ टू डू विद इन्वेस्टमेंट, हैज़ टू डू विद फाइनेंस, तो यू नीड एब्सोल्युटली स्पेशलिस्ट इन द फील्ड, यू नीड टॉप ऑफ द लाइन जो लोग हैं वो आके फिजिबिलिटीज़ बनाएं, और यानी कि दो हमें इस तरह के एग्जांपल्स आए, लोगों ने मैसेजेस भेजे कि जी नवाज शरीफ साहब के ज़माने में शायद 2016 या 17 में कि जी इन्वेस्टर्स आए, जब ये बाहर गए थे नवाज शरीफ साहब और इन्वेस्टर्स आए, वो बड़े बातें सुने उन्होंने, बड़े दे वो वेरी एक्साइटेड, तो फिर उन्होंने कहा जी इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताएं, फिजिबिलिटी स्टडीज़ क्या, यानी वेयर आर योर इनिशियल स्टडीज़, उन्होंने कहा बिल्कुल मौजूद ही नहीं थी। और यही बात हमें सीपैक के जो हैं मंसूर साहब वो बता रहे थे, जो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन बने, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा जी कुछ था ही नहीं अवेलेबल, और द फर्स्ट थिंग दे वॉन्टेड वॉज इन्वेस्टर सीपैक में कि जी बताएं वेयर आर योर फिजिबिलिटी स्टडीज, वेयर इज़ योर, वाई शुड वी कम टू पाकिस्तान, कोई आपने बनाया हुआ कुछ लिखा है अपने अपने सेक्टर्स की जो खसूसियात हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखे हैं, तो देन ही सेड कि हमने बनाया, और उन्होंने एक एक्चुअली किताबचा बनाया जिसमें कि हर सेक्टर के हवाले से जो वो दे सके जितनी डिटेल दे पाए, ये बात आगे बढ़ी नहीं, देन ही रिजाइंड। तो वो भी उनका भी ख्याल था कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप के पास इस तरह का एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बना भी लें, काउंसिल एक नहीं 10 काउंसिल बना लें, लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नहीं है, वाई पाकिस्तान, यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपरली, फिजिबिलिटी स्टडी नहीं, तो वाई विल एनीबॉडी कम टू यू, चाहिए जो भी आप कहें जी नहीं बड़ा ज़बरदस्त हमारा लुक्रेटिव चीज़ है, तो वो काफ़ी नहीं है अनलेस यू हैव एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और उसके लिए फिर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, अब आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेटाइजेशन कमीशन हो, चाहे सीपैक अथॉरिटी हो, ये किस तरीके से काम करेंगे, इनके पास लोग हैं जो बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं, दोज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। अच्छा फाइनली
अच्छा फौज का जो की इन्वॉल्वमेंट है, एक तो ये भी थोड़ा सा वेरी ब्रीफली क्विकली कि भाई पाकिस्तान ने इस एरिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उसका क्या रोल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में तो यकीनन रहा है, चाहे आईपीपीस का हो, उधर ये खालिद मंसूर साहब जो सीपेक के चेयरमैन है वो कहते हैं ही वाज लीडिंग द आईपीपी साइड एंड ही सेड पाकिस्तान की फ़ौज की प्रेजेंस ने चीज़ों को आगे लेके चले और रिलायबिलिटी फैक्टर डाला एंड द फौज डिलीवर्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जांपल पेमेंट्स वगैरह जो देनी थी. अब ही इज़ एज यू नो ब्लू ब्लडेड प्राइवेट सेक्टर पर्सन एज यू कैन गेट. तो वो भी एक्सप्लेन करते, तो जिन्होंने इन इशूज़ पर काम किया वो कहते हैं कि जी फौज की प्रेजेंस से फ़र्क पड़ता है. रिकोडिक जो सॉल्व किया आपको मालूम है, कारके का जो टर्किश उन्होंने हमें कंपनी ने हम पर लगाया था डैमेजेस क्लेम किए उसको भी सेटल किया, फिर उसके बाद खैर एनसीओसी फैटे वगैरह. तो ये बात है कि जहाँ तक है फौज जो इन्वॉल्व रही है, फिर आप फैटिव की भी बात करते हैं ऑल ऑफ दिस. अच्छा अब थोड़ा सा आ जाते हैं जो जिस इशू पे लोग काफ़ी नाराज रहे हैं आज दिन भर कल गुजरे हुए दिन कि जी क्यों ये क्या मतलब है, फौज का क्या है, आप लोगों को तो परवाह ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आप इधर हैं वो आप तो डरते हैं घबराते हैं और खुश करना चाहते हैं फौज को. हरगिज नहीं. पहले तो ये बता दें जो इतनी इतनी बड़ी हमें तनकीद कर रहे हैं और इस इशू पे तनकीद कर रहे हैं, बता दें कि तो अगर सिविलियंस क्यों नहीं कर पाए अभी तक, कि एक ने हमें कहा कि जी एक्चुअली फौज ही की वजह से सिविलियंस का ये हाल है, फौज ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती और ये नहीं आता, तो उन्हीं को आप अंदर डाल रहे हैं जो प्रॉब्लम के कॉज है. देखिए अब ये लंबी डिबेट है, इसमें हम नहीं जाना चाहते. अगर फौज ने, और ये बात दुरुस्त है कि मिलिट्री रूल आए जाए और फिर मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट इतने सेक्टर्स में और ये सब बहुत इसकी तनकीद करते हैं लोग, बनती भी है किसी हद तक. सवाल ये है कि जहाँ पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके इदारे जिस तरह फंक्शन कर रहे हैं, उनमें रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, यू हैव वेरी सीरियस इश्यूज़. आप उसको ठीक करें, आप इसकी फंक्शनिंग बेहतर करें, तो फिर आप फौज को बीच में से निकाल दें. कोई 100 दफ़ा हमने यहाँ कहा है फौज इज़ ओनली एन इंस्टीट्यूशन, वो अपनी जगह पर जो उसकी बनती है जगह उधर जब जाएगी जब सिविलियंस अपने आप में तकवीत डालेंगे. और ये ना हमें कहें कि जी सिविलियंस ठीक ही नहीं हो सकते जब तक फौज इन्वॉल्व है. फौज अब आपके सामने ही है. जो है हम कहते हैं फौज दूर दूर से नजर ना आए सिविलियन अफेयर्स में, फौज गवर्नेंस में ना नजर आए, पॉलिटिक्स में ना नजर आए, फौज बैरिक्स से बाहर ना नजर आए फौज, क्योंकि जो सिक्योरिटी के मामले आते हैं छोटे तो नहीं है, दोज आर ह्यूज इशूज इन एंड ऑफ देमसेल्व्स, फौज को उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए. लेकिन इस वक्त जो हालात हैं आप देखिए, हमने बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि जिनके साथ काम करते रहे ये गल्फ स्टेट्स, दे फील दैट दिस इज़ अ रिलायबिलिटी फैक्टर. और हमने आपको भी नाम बताया उन लोगों का जिन्होंने काम किए फौज के साथ इन डिफरेंट एरियाज, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी कहती जी हाँ दैट्स अ रिलायबिलिटी फैक्टर. तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फौज शुडंट बी इन्वॉल्व इन दिस, बट गिवन द रियलिटी जो सियाक को सबाक है, जो हालात हैं, जो फंक्शनिंग है आपके इंस्टीट्यूशंस की, उसको बेहतर बनाएं, उसको बेहतर बनाएं. फौज का रोल आप एक रिसीडिंग रोल हो उसको कम से कम इन्वॉल्व करें और कोऑर्डिनेशन तक रखें. और कोऑर्डिनेशन से आप अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करें. अभी प्लानिंग कमीशन है, वाई शुड द फौज बी इन्वॉल्व, तो अब क्या वजह है इसकी, ये तो देखना पड़ेगा ना. ये जो इदारे रन कर रहे हैं, हमें मालूम है फौज का जो एक रोल रहा है इतने सालों से, और इट हैज़ ओवर शेडोड द फंक्शनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट्स, बट दीज इशूज़ हैव टू बी रिजॉल्व्ड. कोऑर्डिनेशन होनी है, सिक्योरिटी होनी है, और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी होना है. ये सब चीज़ें फौज के हवाले से, उसकी प्रेजेंस से, इन्वॉल्वमेंट से लगता है कि बेहतरी आएगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पाकिस्तानीज हुव बीन इन्वॉल्व इन दिस वर्क. तो ये कह के हम ख़त्म करते हैं कि दुआ यही करते हैं कि हमारे सिविलियन इदारे इतने तगड़े हो जाएं और हमारी प्रोफेशनलिज्म इस लेवल की हो जाए, हमारे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऐसे हो,
अभी से नहीं 30 साल से कभी कोई डोनर कह रहे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने, कभी कोई कह रहे 30 ईयर्स, नॉट लेस, 30 से भी 40 ईयर्स से बात हो रही है। देखें जरा ODA कौन कौन से इदारे करते रहे, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं हुए, हो ही नहीं पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे, अब इसको देखना पड़ेगा। आई मीन दीज आर इशूज दैट नीड टू बी फोकस्ड और फोकस्ड अपॉन, और आप उसको इन्वायरमेंट को इसमें, दिस शुड बी एन इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इसमें जितने गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उसको आगे बढ़ाएंगी तो बेहतरी आएगी। लेट्स होप के इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इसको टोटली अपने हाथ में लें। और ये भी बड़ा सवाल है कि अगली गवर्नमेंट आएगी तो स्ट्रक्चर का क्या होगा। एहसन इकबाल साहब ने भी थोड़ी देर पहले यही कहा कि जी वो जो आएगी उसको इससे फ़ायदा मिलेगा और इट विल बेसिकली इसकी वजह से वो आगे बढ़ पाएंगे, बेहतरी से आगे बढ़ पाएंगे, आसानी के साथ इसी को आगे लेके चलेंगे। लेट्स सी जो अगली गवर्नमेंट आएगी, लेकिन जो फौज है उसकी जो प्रेजेंस है, चाहे एपेक्स कमेटी में, चाहे एग्जेक्टिव जो कमेटी है, चाहे इम्प्लीमेंटेशन में उसकी तो इन्वॉल्वमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन में कोई 40 में से 15 फौज के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी हैं। सो फौज के हद तक कंटिन्यूटी रहेगी। लेट्स सी विच एवर गवर्नमेंट कम्स व्हाट दे विल डू। इसको चेंज भी किया जा सकता है, लोग तो चेंज होंगे बट कंटिन्यूटी उस हद तक रहेगी कि जो इन्वेस्टर है उसको पॉलिसी वगैरह का चेंज नहीं आएगा। और इसी पर ख़त्म करते हैं कि वी होप कि आर इंस्टीट्यूशंस बिकम सो एफिशिएंट कि फौज को का रोल कम से कम होने वाले दिन में। हमारी तरफ से इतना ही, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।